कांग्रेस ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। दिल्ली कांग्रेस के सबसे तजुर्बेकार चेहरे को और 15 साल तक दिल्ली की सत्ता में राज करने वाली शीला दीक्षित को प्रदेश अध्यक्ष को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उतारा गया है। मैम, किस तरह से देखती हैं आप इस जिम्मेदारी को उम्र के इस बढ़ाव पर? अब देखिए, जिम्मेदारी दी गई है तो निभाऊंगी। उम्मीद थी मैम, क्योंकि बार बार ईस्ट दिल्ली बोलते थे, चांदनी चौक बोलते थे और फाइनली नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी। दोनों की बातें चल रही थी, अब जो पार्टी ने फैसला कर लिया तो ठीक है। मैम, नेशनल मुद्दों के अलावा नॉर्थ ईस्ट के किन मुद्दों के ऊपर चुनाव होगा, किन मुद्दों के ऊपर शीला दीक्षित को वोट देगी? देखिए, मैं स्टडी करूंगी। वैसे नॉर्थ ईस्ट डेवलप्ड एरिया है, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पर हमने बहुत काम किया था एज द चीफ मिनिस्टर। तो अब देखेंगे जो आवश्यकता होगी, जो जरूरतें होंगी, उससे पहले मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैम, गठबंधन की कवायद हो रही थी, वो कह रहे थे कि एंटी इनकमेंसी का वोट स्प्लिट ना हो। नॉर्थ ईस्ट में आप माइनॉरिटीज को भी देख रही हैं, ब्राह्मण वोट बैंक को भी। गठबंधन की बात तो खत्म हो गई, अब उसका क्या चर्चा करने से फायदा। लेकिन स्प्लिट नहीं होगा आपको लगता है त्रिकोणीय मुकाबले में वोट बैंक एंटी इनकमेंसी का? तीन जगह हो रहे तो तीन में तो होगा स्प्लिट ना, वो तो नेचुरल है, लेकिन उससे डरता नहीं है। मैम, दिलीप पांडे की मनोज तिवारी, असली चुनौती किससे मिलने वाली है, बीजेपी की आम आदमी पार्टी? मेरे लिए दोनों ही चुनौती है। मैम, आखिरी प्रश्न, जिम्मेदारी आपके ऊपर सातों सीटों की रहेगी कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ऊपर फोकस? नहीं, देखिए, सारी दिल्ली की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, लेकिन मेरे साथी भी बहुत अच्छे हैं और वो निभाएंगे इसको। आखिरी प्रश्न मैम, न्याय की बात की जाती है, आप भी इसी के ऊपर वोट मांगेंगी कि दिल्ली के भी कुछ इश्यूज हैं जिनको आप हाईलाइट करेंगी, सीलिंग, GST, महंगाई? जरूर करेंगे, जब वक्त आएगा, जब कैंपेन शुरू करूंगी परसों, तब इसको सब हाईलाइट करूंगी। सब मुझे पता है, अच्छी तरह से हो जाए, पूरी तरह से आ रही, क्योंकि ये पहला इलेक्शन नहीं है जो मैं लड़ रही हूँ। लेकिन आखिरी इलेक्शन हो सकता है? हाँ, हो सकता है, आखिरी इलेक्शन तो कोई भी हो सकता है। तो शीला दीक्षित, जहाँ पर पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज हैं, कांग्रेस पार्टी को अंडरडॉग की तरह यहाँ ट्रीट ना किया जाए, चक्रव्यूह रचा गया है, मनोज तिवारी के लिए भी अब सीट निकालना आसान नहीं होगा। कैमरामैन P. प्रजापति के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।